हेलो एवरीवन, बॉलीवुड मैट्रिमोनी में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट फिल्मी सिकंदर। दोस्तों, किसी का भाई किसी की जान। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट सॉन्ग नहीं हो लगदा सॉन्ग 50 मिलियंस। जी हाँ दोस्तों, 50 मिलियंस कंप्लीट कर चुकी है दोस्तों अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, सोच सकते हो ना भाई, 1 वीक। जी हाँ दोस्तों, 1 वीक के बाद ये धमाका, सलमान खान का ये सॉन्ग जो कि 50 मिलियंस कंप्लीट कर चुकी है। हेटर्स के गाल पे जोर का तमाचा दे दिया भाई के फैंस ने। दोस्तों आपको बता दूं कि भाई के फैंस अकेला नहीं है भाई, भाई के फैंस ने ही सिर्फ सॉन्ग को नहीं सुना और नहीं देखा है, ये आम ऑडियंस भी इस सॉन्ग को देखा है और सुना है, तब जाके ये सॉन्ग चार्ट बस्टर साबित हुई है दोस्तों यूट्यूब पे। जी हाँ दोस्तों, और हेटर्स लोग की गांड जल गई है दोस्तों, और इस कदर जली है पता नहीं वो आग कब तक बुझेगी, मुझे खुद को पता नहीं है दोस्तों। लेकिन सलमान खान, थोड़ा सा तो तारीफ बनता है इस बंदे के बारे में, तो चलिए हम इसकी तारीफ में दो शब्द बोलना चाहेंगे। जी हाँ दोस्तों, सलमान खान, जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड के दबंग खान कहा जाता है इनको, बॉलीवुड के सुल्तान भी कहा जाता है, और लेटेस्ट में बॉलीवुड के भाईजान है वो। जी हाँ दोस्तों, किसी का भाई किसी की जान टीजर ब्लॉकबस्टर सॉन्ग चार्टबस्टर। सोचो दोस्तों, अभी से ही रिकॉर्ड बनना स्टार्ट हो गया है दोस्तों किसी का भाई किसी की जान को लेकर। अभी ट्रेलर बाकी है, बाकी के एक दो सॉन्ग तो आएंगे ही रिलीज से पहले। दोस्तों सलमान खान, जी हाँ दोस्तों, सलमान खान की मूवी जब भी आती है एक अलग लेवल की बज बन जाती है, एक अलग लेवल का क्रेज होता है फैंस के बीच में भी और आम ऑडियंस के बीच में भी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यार सलमान खान एक ऐसा बंदा है इंडस्ट्रीज में जिनकी मूवी का इंतज़ार पूरी हिंदुस्तान तो करती है, साथ में आउट ऑफ इंडिया भी करती है। जी हाँ दोस्तों, और आफ्टर दबंग 3 के बाद बड़े स्क्रीन पे वो दिखेंगे दोस्तों, और उसके लिए ना पब्लिक पागल है भाई, पागल है। हालांकि अंतिम मूवी आई थी ना दोस्तों नवंबर 25, 2021, दोस्तों अंतिम मूवी में लोगों का कहना था कि ये सलमान खान का उसमें जो सपोर्टिंग रोल था दोस्तों उस लेवल का क्रेज नहीं बन पाई थी अंतिम मूवी का। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सबको पता था कि सलमान खान इसमें सिर्फ सपोर्टिंग रोल कर रहे हैं, हालांकि स्क्रीन पे वो अच्छे खासे दिखे हैं दोस्तों, लेकिन पूरी मूवी थी आयुष शर्मा के ऊपर, इसलिए वो मूवी का कुछ ज़्यादा धमाका नहीं कर पाई। और ऊपर से यार लॉकडाउन था भाई, लॉकडाउन का माहौल था, तो ऑडियंस हिचकिचा रही थी थिएटर्स में आने के लिए, तो जाहिर सी बात है, नहीं तो वो भी मूवी इस माहौल में आती ना भाई 100 करोड़ कलम में एंट्री हो ही जाती, क्योंकि सलमान खान की हर मूवी 100 करोड़ कलम में एंट्री होती है अगर अंतिम को छोड़ दिया जाए तो। खैर जो भी हो दोस्तों, सॉन्ग 50 मिलियन व्यूज। हेटर्स कहाँ हो आप हेटर्स, प्लीज़ आ जाओ ना कॉमेंट बॉक्स में, कुछ तो बोल के जाओ एक शब्द इसके बारे में, कुछ तो बोल दो प्लीज़ यार, बोल दो यार। खैर जो भी हो दोस्तों, भाईजान ने साबित कर दिया कि उनके नेगेटिविटी होने के बाद भी ना उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और सॉन्ग जैसा भी हो पब्लिक एंजॉय करती है, और क्यों ना करे एंजॉय भाई, क्यों ना करे। सॉन्ग इतना कड़क था यार, वो इतना धमाकेदार था सॉन्ग, तो एंजॉय तो करना बनता ही था दोस्तों। यार मोहब्बत वाली फील आती है यार सॉन्ग सुनने के बाद, नहीं यो लगता। जी हाँ दोस्तों, और रील्स के बारे में आपको पता ही है, इतने लोग रील्स बनाए कि उसमें भी चार्टबस्टर हो गई। अरे यार ये सॉन्ग यार लंबे रस की घोड़ा भाई, इतनी आसानी से ये सॉन्ग लोग भूलने वाले नहीं है, ये 10 साल तक ना इस सॉन्ग को लोग सुनेंगे, रोमांटिक सॉन्ग। जी हाँ दोस्तों, जब अपनी लैला अपनी मजनू के साथ बैठेगी, फिर सीरीज फरहाद के साथ बैठेगी, रोमियो जूलियट के साथ बैठेगी, तब ये सॉन्ग बजेगा दोस्तों। तो गाइस बस इतना ही, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और वो जो बेल आइकन का घंटा है उसको दबा देना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।